हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कल देखिए, यहाँ पर वीडियो बनाई थी और यहाँ पर आपको निफ्टी का प्रेडिक्शन बताया था 1 जून का। और इससे पहले भी इसी वीडियोस में नहीं, जितने भी मैंने आपको प्रेडिक्शन बताए, सारे प्रेडिक्शन यहाँ पर ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आया है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है टेक्निकल। जो टेक्निकल बोल रहे थे वो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था। काफी लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कल डो जोन्स को देख के कि डो जोन्स यहाँ पर भागता हुआ नजर आया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव ऊपर भागा भी था और पॉजिटिव डायरेक्टरी में यहाँ पर बंद हुआ था। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्टरी में बंद होगा या भागेगा इस तरीके से। बट आपको यहाँ पर गिरावट के लिए बोला था तो यहाँ पर गिरावट हुई है इसी तरीके से। एज इट इज यहाँ पर गिरावट हुई है। और किस वजह से बोला था तो इस वीडियो को जाके देखिएगा। तो यहाँ पर किस तरीके से टेक्निकल के बेसिस पर मार्केट चलती है उसका पूरा साक्षात आपको यहाँ पर वर्णन हो जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर ये स्टॉक जितने भी दिए थे उन्हें देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी एग्जैक्टली किस वजह से यहाँ पर ये सब चीज होते हुए नजर आती है। दो स्टॉक्स और बताए थे यहाँ पर बेहतरीन स्टॉक्स से, जाके एक बार देख लीजिएगा इन वीडियो को, जो कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस आज की डेट में भी आएगी। और आज की डेट में सबसे पहले हम अगेन प्रेडिक्शन ही करेंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे उसके बेसिस पे, अगर बिना तैयारी के जाएंगे एग्जाम में, तो याद रखिए फेल होते हुए नजर आएंगे। तो हमें फेल नहीं होना, हमें पास होना है। तो पास होने के लिए हमें पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम उस चीजों को अगर समझेंगे तो हमें पता चल जाएगी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हमें पता चल गई तो हम यहाँ पर अच्छा खासा काम करते हुए नजर आएंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर चीजें को समझना बहुत जरूरी है। तो चीजों को पहले समझ लेते हैं, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल है आपका, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिले। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन किसी तरीके की हम देते नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी आपको करनी है। तो सबसे पहले खुद की स्टडी करनी है, जैसे कि। और यहां पर देखेंगे मार्केट, मार्केट ऊपर की तरफ यहां पर जाती हुई दिखाई दी तो लोग यहां पर खुश हो रहे होंगे कि यहां पर मार्केट भाग रही है। बट मार्केट को हमेशा यहाँ पर एक जो लेवल्स होते हैं ना, जो रेजिस्टेंस होता है या फिर सपोर्ट होते हैं, जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल के लिए रेजिस्टेंस ये है, इसकी के लिए सपोर्ट ये है। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर अब झूलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर पहले बताया था भागेगा तो यहाँ पर भागा भी था, अब क्या होता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। क्या बनता हुआ नजर आ रहा है इस चार्ट पे? यहाँ पर मुझे अब थोड़ा सा साइडवेज, साइड बेस जोन भी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, कल की डेट में मेरे ख्याल से मार्केट पॉजिटिव रहेगी। किस वजह से रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो ये कैंडल बन रही है, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के पास बन रही है, और सपोर्ट के पास जो ये कैंडल बन रही है, तो कौन सी कैंडल बनती है नजर आ रही है? थोड़ी बहुत हैमर नजर आ रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर साइड बेस जोन में हो सकती है। साइड बेस जोन का मतलब है कि ऊपर तो नहीं जा रही है, यहाँ पर इस चीज को क्रॉस नहीं कर रही है, ये कंफर्म है। तो यहाँ पर ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, तो जब तक यहाँ पर इसे क्रॉस ना करे तो यहाँ पर मार्केट में तेजी मत करिएगा। और जब तक इससे यहाँ पर तोड़ ना दे तब तक यहाँ पर शॉर्ट मत करिएगा। तो दो चीजों को याद रखिएगा, अगर यहाँ पर ये इसे तोड़ देता तो शॉर्ट कर लीजिएगा, इसे तोड़ दे तो यहाँ पर तेजी कर लीजिएगा। बट तेजी कहाँ तक करनी है, अगेन उस चीज को याद रखना है। लेवल्स, कौन सा लेवल? ये जो लेवल है, यहाँ तक ही तेजी करनी है। शॉर्ट करना है तो यहाँ तक ही शॉर्ट करना है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड में क्या होगा? लॉन्ग पीरियड में फिर उसी के हिसाब से अगर इसे तोड़ देगा तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इसे तोड़ देगा तो फिर हम आगे देखेंगे। तो इसी तरीके से चीजें चलती है। इसे पाइवट्स पॉइंट भी कहते हैं, इसे हम यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का खेल भी कहते हैं। आज की डेट में यहाँ पर सोचा था मैंने यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा टेक्निकल के बेसिस पे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। डोंट वरी, 1 और 2 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर वीडियोज यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कैंडल की, ये कहीं ना कहीं हैमर नजर आता है हमें। और ये यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप, ये एक तरीके की कैंडल वो ही बनती हुई नजर आ रही है। इसमें अगर यहाँ पर की तरफ भागा तो यहाँ पर तेजी हो गया, इधर की तरफ भागा तो यहाँ पर गिरावट होगी, सिंपल। और यहाँ पर साइड बेस जोन यहाँ पर दिखाई देगा। तो आज का यहाँ पर डो जोन्स देख लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा है, उसी के अंदर यहाँ पर मार्केट बिहेव करेगी। इसके अलावा कुछ और डेटा हम यहाँ पर देख लेते हैं, FIS DIS का डेटा। अगर हम ये डेटा भी डेली बेस देखते रहेंगे तो चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि कल की परसों की डेट में उन्होंने कुछ खरीदारी करी, कल 1000 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली करी, आज अगेन उन्होंने 1930 करोड़ की बिकवाली करी। इसके अगेंस्ट में DIIs ने यहाँ पर 984 करोड़ की यहाँ पर बाइंग भी करी है। तो यहाँ पर देखिए, केवल अगर कोई यहाँ पर इन्हीं फिगर को देखेगा तो वो कहीं ना कहीं
बेवकूफी का शिकार हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर आप देखेंगे दोनों फिगर कि यहाँ पर कहीं अगर सेल किया है 8376 तो कुछ उन्होंने बेचा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर खरीदा भी होगा। तो किस शेयर में तेजी हुई है वो भी यहाँ पर देखिए, तो कहीं ना कहीं वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। ओके, लॉन्ग टर्म में। ओके, शॉर्ट टर्म में मैं कुछ नहीं कह सकता, शॉर्ट टर्म में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, बट लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक होंगे तो पैसा बनेगा। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप पे यहाँ पर ध्यान दे देते हैं। निफ्टी मिड कैप देखिए इसी रेंज में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। ओके, यहाँ पर मैंने कहा था कि गिरावट होती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ पर गिरावट तो हुई, बट उसी रेंज में गिरने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अब कंसोलिडेशन मोड पे है, तो यहाँ पर क्या है, स्पिनिंग टॉप दोबारा बन रहा है। अगर तेजी हुई यहाँ पर मार्केट में तो इसे क्रॉस करके जाएगा। ओके, यहाँ पर इसे क्रॉस किया तो अच्छी तेजी, और अगर इसी कैंडल को यहाँ पर 28100 जो इसका लो है आज 28144, ओके 28,144 को अगर यहाँ पर तोड़ता है तो यहाँ पर एक गिरावट हो सकती है जो इसे 27,900 के आसपास लेके जा सकती है। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पर प्रिपेयर रहना है। इसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में मैंने कल आपको कह ही दिया था कि यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, तो यहाँ पर तेजी आज के दिन में हुई भी थी, बट याद रखिए सपोर्ट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर के लेवल पर को इसने यहाँ पर क्रॉस किया, बट क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ठहर नहीं पाया, मार्केट में गिरावट थी तो ये नीचे आ गया, और नीचे के लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट को ही टच करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आज के दिन में पॉजिटिव डायरेक्टरी में शेयर यहाँ पर बंद हुए, बट जिसके पास स्मॉल कैप और मिड कैप है वो पॉजिटिव रहे होंगे, जिसके पास निफ्टी 50 के स्टॉक है वो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर बना रहेगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे स्टॉक्स की यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी 50 किस तरीके से बिहेव करेगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर और बातें कर लेते हैं कुछ इंडेक्सेस की। जैसे कि यहाँ पर मैंने कल की डेट में आपको बताया था कि निफ्ट यहाँ पर एक रेंज में यहाँ पर मार्केट जब फंसा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है तेजी होगी तो सब में ही तेजी होगी। ओके, और ये यहाँ पर देखिए ऊपर का लेवल यहाँ पर, नीचे का लेवल यहाँ पर, और इसने आज जो ये कैंडल बनाई है, ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल के बेसिस पे नीचे नीचे का लेवल यहाँ पर देखिए सपोर्ट पे ये खड़ा हुआ है। जब तक ये इंटैक्ट है ओके तब तक ठीक है, अगर यहाँ से ये तोड़ा तो याद रखिए यहाँ तक की जर्नी फिर दोबारा ये स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ आईटी स्टॉक्स में तेजी थी, बट कुछ स्टॉक्स में मिड कैप में तो तेजी थी, और यहाँ पर मैंने दूसरे लार्ज कैप स्टॉक देखे नहीं, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो ऊपर में तेजी होने के लिए इसे इस लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, इस लेवल को क्रॉस किया तो सीधे यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी आईटी में ये हो गया मेरा पूरा का पूरा आपके लिए, और ये लेवल आज के लिए नहीं है, जब भी यहाँ पर तेजी होगी तो इसी लेवल को क्रॉस करके निकलेगा, जब भी यहाँ पर गिरावट होगी तो इन्हीं लेवल्स को यहाँ पर तोड़ के यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा। तो याद रखिए यही पूरा का पूरा व्यू है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर निफ्टी मेटल की, अगेन यहाँ पर बन रहा है एक स्पिनिंग टॉप। ओके, और जब भी इस तरीके का स्पिनिंग टॉप बनता है तो देखिए इसके लिए सपोर्ट यही है। ओके, जब तक यहाँ पर होल्ड किया हुआ है तब तक कोई घबराने की बात नहीं है, बट अगर यहाँ पर टूटा तो याद रखिए ये जो दो तीन लेवल है ये पूरे यहाँ पर खुलते हुए नजर आएंगे, और ऊपर का लेवल यहाँ पर जब तक इसे क्रॉस नहीं करेगा तब तक तेजी के बारे में यहाँ पर मत सोचिए। तो ये लेवल है, इसकी तरफ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और यहाँ पर जो कैंडल बनी है अगर इस कैंडल के ऊपर जाता है तो यहाँ पर तेजी करनी है, इस कैंडल के नीचे जाता है तो यहाँ पर तोड़ यहाँ पर हमें पिक वाली करके शॉर्ट करके यहाँ पर चलना है। इस अगर आप यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शंस में अगर ट्रेड लेते हैं इसमें। ऑटो की बात करें, ऑटो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, देखिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी हो चुकी है। ओके, शेयर ऑलरेडी भाग चुके हैं, और यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है ओके ये शूटिंग स्टार बनती हुई नजर आई है, उल्टा हैमर भी कह सकते हैं एक तरीके से ऊपर के लेवल पे। तो जब भी इस तरह की कैंडल बनती है कहीं ना कहीं यहाँ पर बियरिश सिग्नल आ जाता है, तो आज यहाँ पर तो यहाँ पर थोड़ा सा बियरिश पना दिखाई दिया है कि यहाँ पर बियरिश आ गया है मार्केट में, बहुत तेजी यहाँ पर ऑलरेडी इन पर्टिकुलर सेक्टर ने कर ली है। तो अब क्या है, अब सिंपल है, अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ओके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 11491, इस लेवल को अगर इसने तोड़ा तो सीधे यहाँ पर ये शेयर इसका आएगा और ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस रेंज में यहाँ पर ये चलता रहा ओके, या तो इस रेंज को तोड़ के नीचे आ जाएगा, इस रेंज को तोड़ के ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। ओके, बट यहाँ पर बियरिश नजर आता तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी फार्मा की। निफ्टी फार्मा जैसे कि मैंने कल भी बता दिया था, ये जो जिस तरीके की कैंडल बनी है ये दिखा रही है कि फार्मा के स्टॉक यहाँ पर गिरते हुए नजर आ सकते हैं, बट इसके लिए एक बेहतरीन जो सपोर्ट का काम कर रहा है यही जो लेवल है ना, ये इसका एक बेहतरीन सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर कल की डेट में यहाँ पर गिर जाता है और ये इस लाइन को भी यहाँ पर एक बार कंसीडर कर लेते हैं जो यहाँ पर ये नीचे की तरफ आया है, अगर इसे भी 12,000 पहले तो यहाँ पर सपोर्ट है काफी बेहतरीन, अगर इस सपोर्ट को तोड़ दिया
तो याद रखिए एक गिरावट होती ही नजर आएगी जो इसे बहुत नीचे तक ले जाएगी। बट शायद अगर इसे भी एक और लेवल यहाँ पर बताया मैंने ये वाला 12,299 का, ओके अगर 12,300 को यहाँ पर सपोर्ट में ले लिया ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर एक गिरावट होती हुई नजर आ सकती है जो इसे सबसे पहले तो यहाँ तक ओके 11,973 तक, और अगर गिरावट हुई तो शायद यहाँ पर 11,300 तक यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो 1,000 पॉइंट की और 500 से 1,000 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट हो सकती है अगर इसमें और गिरावट होती हुई नजर आई। और इसे तेजी के लिए इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है, या तो ये इस लेवल पर फंसा हुआ है, याद रखिए इस यहाँ पर जो बॉक्स है इस बॉक्स में फंसा हुआ है, या अगर इस बॉक्स को कल तोड़ देता हो तो इसमें गिरावट होती हुई नजर आएगी। तो इस केस में आप यहाँ पर जो फार्मा के स्टॉक है वो बेच के यहाँ पर चल सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक भी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कल की डेट में भी बताया था अगर इस लेवल को जब तक नहीं तोड़ रहा तब तक ठीक है, ओके ऊपर के लिए इसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल को तो यहाँ पर क्रॉस करना ही करना है, और अच्छी तेजी के लिए इसे यहाँ पर इस लेवल तक पहुंचना बहुत जरूरी है और इसे क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तभी इसमें तेजी आएगी। अदरवाइज इस रेंज में ही ये फंसे हुए हैं, ये शेयर इसी रेंज में, इस देखिए इस पर्टिकुलर बॉक्स है, इस बॉक्स के तो ये ऊपर आ गए है, बट यहाँ पर इसके लिए एक ये सपोर्ट बना हुआ, तो इस सपोर्ट को यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहे हैं एज वेल एज ऊपर यहाँ पर इसके लिए ये रेजिस्टेंस है, या तो इसे तोड़ के नीचे आए तो यहाँ पर शॉर्ट करना है, या फिर इसे तोड़ के ऊपर जाए तब आपको यहाँ पर शॉर्ट के बारे में यहाँ पर सॉरी तेजी के बारे में यहाँ पर सोचना है। तो ये यहाँ पर दो व्यूज हमेशा रहते हैं, तो दोनों ही व्यूज को हमें यहाँ पर कंसीडर करना है, और उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पर क्या करना है, उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पर काम करना है। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट निफ्टी FMCG। निफ्टी FMCG यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके की एक गिरावट हुई है, ओके यहाँ पर बार बार इसी लेवल को यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर इस लेवल पे ये क्रॉस कर देता है सपोर्ट पे बिल्कुल यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आ गया है गिर के, ओके सपोर्ट को रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस नहीं किया और नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चीजें यहाँ पर याद रखिए थोड़ी सी बेयरिश नजर आती है, और जिस तरीके की कैंडल ऊपर तेजी होने के बाद नीचे आती हुई दिखाई दे रही है थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हो सकती है, और ये गिरावट इसे सबसे पहले 37,396 तक लीड कर सकती है, और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है ये वाला, ओके अगर इन पर्टिकुलर सपोर्ट को ये होल्ड कर जाता है तो वेल एंड गुड, ओके अगर नहीं करता तो नीचे और आ सकता है, बट मुझे लगता है कि इसी रेंज में अभी ये कुछ दिन घूमेगा और फिर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और थोड़े बहुत दिनों में ओके जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर FMCG सेक्टर में तेजी होती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर ये सेक्टर थोड़ा सा बूम करता हुआ दिखाई देगा और अब ऑल टाइम हाई और न्यू हाई ये बनाता हुआ नजर आएगा। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर्स है इनकी तरफ आपको ध्यान देना है, ओके और कुछ सेक्टर्स है जो कि ऑलरेडी बहुत तेजी कर चुके हैं तो वहां पर लोअर हाइज बनते हुए दिखाई देंगे, ओके और जहां पर ये जो ये सेक्टर है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया वो हायर हाइज बनाते हुए नजर आएंगे, एक के बाद एक हाई बनाते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।